न्यूज वर्ल्ड इंडिया अपने दर्शकों के लिए महान हस्तियों पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू कर रहा है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी सीरीज बनाई गई है। मकसद, महान हस्तियों के जीवन के अनछुए पहलुओं को दिखाना जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हम अपनी इस सीरीज की शुरुआत एक ऐसे महान व्यक्ति के जिंदगीनामा से कर रहे हैं जो कहा करते थे कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं बल्कि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का देश भी है। देश तभी विकास और शक्ति प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न समुदाय के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। ये शब्द बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षक और समाज सुधारक थे। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी इलाहाबाद में हुआ। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। ये उन दिनों की बात है जब पंडित ब्रजनाथ के पिता पंडित प्रेमधर मालवीय की मृत्यु हुई। पंडित ब्रजनाथ ने पिता का धार्मिक विधि से क्रियाक्रम और श्राद्ध किया। का कार्य संपन्न हुआ। ब्रजनाथ जी, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। जी महाराज। हे भगवान, मुझे एक ऐसी संतान दीजिए जिसकी बराबरी करने वाला ना पैदा हुआ हो और ना ही आगे हो। उन दिनों एक प्रचलित प्रथा के मुताबिक कानी लड़की होने का मतलब था कि पुत्र हुआ है। मान्यता थी कि कानी लड़की बोलने से भूत प्रेत नवजात बच्चे से दूर रहते हैं। पुत्र के जन्म की बधाई देने आसपास के लोग आए, लेकिन पंडित ब्रजनाथ के घर में इतनी जगह नहीं थी कि सभी लोग एक साथ बैठ सकें। ना ही उनके पास इतना धन था कि सबको मिठाई बांटी जा सके। इसलिए पंडित ब्रजनाथ ने हाथ जोड़कर सभी लोगों का आभार माना। इसके बाद सब विदा हुए। उनकी सास और उनकी माँ ने जिस तरीके से उस परिवार को शेप दिया, उसमें निश्चित रूप से किसी के जरूरत की पूर्ति हो पाती थी और किसी की पूर्ति नहीं हो पाती थी। अब इसे हम गरीब परिवार भी कह सकते हैं, इसे एक संघर्षशील परिवार भी कह सकते हैं, इसे एक ऐसा परिवार भी कह सकते हैं जो अपना रास्ता खुद बना रहा था। इलाहाबाद के अहियापुर के धार्मिक ग्रंथों के भाष्यकार पंडित ब्रजनाथ और मूना देवी के इस घर में बच्चे का जन्म हुआ था। पंडित ब्रजनाथ और मूना देवी ने कुछ ही दिन बाद अपने पुत्र का विधि विधान से नामकरण किया। अति उत्तम, आपका बच्चा अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुआ है। आप उसका नाम म अक्षर से रखिए। म से नाम शुभ होगा। माँ से मदन मोहन ठीक रहेगा पंडित जी? अति उत्तम, मदन मोहन दोनों कृष्ण भगवान के नाम हैं। जी पंडित जी। ब्रजनाथ और मोना देवी मालवा के मूल निवासी थे, इसीलिए उनके उपनाम में मालवीय लगा था।
ये लोग मूलतः मालवा के रहने वाले थे। ये सारे लोग वहाँ किसी तरह के राजा से या जो और वहाँ के शासक वर्ग था उससे किसी तरह के धार्मिक मतभेद की वजह से ये लोग वहाँ से चले आए। तो ये लोग जब चले आए इसमें से परिवार के कुछ लोग पटना में जा कर के बस गए, कुछ मिर्ज़ापुर में बस गए, और ये इनके पितामह के साथ इनके परिवार की शाखा इलाहाबाद में आ गई। तो और इलाहाबाद में आ कर के इन्होंने अपना नाम जो है वो शीर्ष नाम जो है ये मालवी रखा। घर में संपन्नता भी काफ़ी थी, लेकिन ब्रजनाथ जी यजमानी करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका कहना था कि दान के अन्न पर पलना ठीक नहीं है, ऐसे संस्कार बिगड़ता है। लेकिन प्रेमधर मालवी ने जब इनको कई दो तीन संतानें भी हो गई थी उस समय तक ब्रजनाथ जी को, और ये चाहते थे कि कथा वाचन करें, ठाकुर जी की कथा कहेंगे, उसको जो चढ़ावा मिलेगा उसी से जीवन चलेगा, लेकिन मैं दान नहीं लूँगा। इनके इनकार करने पर प्रेमधर मालवी ने कहा कि तब तुम अपने परिवार को लेकर कहीं चले जाओ। मदन मोहन बचपन से ही चंचल थे। बड़े लाड प्यार से उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण किया। बालक अत्यंत शालीन और खुशहाल बुद्धि था। खेलकूद और शारीरिक व्यायाम में वो बड़े नियमित थे। पंडित ब्रजनाथ ने 5 वर्ष की उम्र में मदन मोहन को प्रारंभिक शिक्षा घर से ही शुरू की। एक बार सुना पड़ा वे तुरंत कंठस्थ कर लेते, मतलब याद कर लेते। इलाहाबाद के अदियापुरा में उस समय कोई पाठशाला नहीं थी। मोहल्ले के सभी बच्चे रईस मनोहर दास की कोठी के चबूतरे पर टाट बिछाकर पढ़ा करते थे। धर्म ज्ञान उपदेश पाठशाला के नाम से एक छोटा सा स्कूल हरदेव नामक विद्वान पंडित चलाते थे। पंडित ब्रजनाथ मदन मोहन को पाठशाला में भर्ती करवाने के लिए पंडित हरदेव के पास ले गए। सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसे आना हुआ? ये मेरा बेटा मदन मोहन है। अच्छा। आपके गुरुकुल में इसका नामांकन करवाना है, आप इसे भी अपना छात्र स्वीकार कीजिए। अवश्य अवश्य। बेटा तुम्हें कोई श्लोक वगैरह आता है? हाँ गुरुजी। तो सुनाओ, हम सब सुनेंगे। बहुत अच्छा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका बेटा बहुत संस्कारी है। ये आपके कुटुंब को अस्थाई कीर्ति प्राप्त कराएगा और आपके कुटुंब को महान बनाएगा। जीत रहो बेटा। श्लोक और कविता सुनकर पंडित हरदीप बहुत ही प्रसन्न हुए थे। ये घर में मिली प्रारंभिक शिक्षा का नतीजा था। पंडित हरदेव की देखरेख में मदन मोहन की शिक्षा प्रारंभ हुई। उन्हें लघु कौमुदी नामक संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ पढ़ाया गया। उस जमाने में आचार विचार चरित्र
और व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष जोर रहता था। जहाँ भी महामाना जी पढ़ने गए, चाहे हर पंडित हरदेव जी की पाठशाला में गए हों या धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला जो पंडित देवकी नंदन जी का था, इन सब जगहों पर आगे महामाना जी जब जिला हाई स्कूल में गए तो वहाँ भी इन सारी बातों पर बहुत जोर दिया जाता था। मदन मोहन की धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में सुबह 6 बजे से कार्य प्रारंभ होता था। 9 बजे पाठशाला की घंटी बजती तब सभी विद्यार्थी इकट्ठे होते। ऊंची कक्षा के छात्र जोर से पवित्र श्लोक पढ़ते, अन्य छात्र उसे दोबारा कहते। इस प्रकार सब विद्यार्थियों को मनुस्मृति, भगवद गीता तथा अन्य पुस्तकें पढ़ाई जाती। बार बार गाने के कारण ये श्लोक विद्यार्थियों को याद हो जाते। मदन को भी भगवद गीता, मनुस्मृति और दूसरे संस्कृत ग्रंथों के कई चरित्र विषयक श्लोक याद थे। मदन मोहन जब 8 वर्ष के हुए तो उन्हें जनेहू पहनाया गया। उनके पिता ब्रजनाथ ने स्वयं अपने योग्य पुत्र को पवित्र गायत्री मंत्र पढ़ाया। बालक मदन मोहन को हिंदू सनातन का जीवन दर्शन और संस्कार अपने पूर्वजों से विरासत में मिले थे। पंडित मदन मोहन ने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर कहा था कि मेरे पितामह, पितामही, माता और पिता बड़े धर्मात्मा, सदाचारी और निस्वार्थ ब्राह्मण थे। उन्हीं के प्रसाद से मैं इस मुकाम पर हूं। मदन मोहन ने बचपन में ही धर्म के विभिन्न पहलुओं को समझ लिया था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में वे बटुक बन गए थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा था, माँ, भिक्षाम देई। मदन को भिक्षा मांगते देख माँ की आंख से आंसू टपक पड़े और उन्होंने मदन को गले से लगा लिया। उन दिनों कौन जानता था भीख मांगने वाला ये बालक एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षुक बन काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। मदन मोहन ने बचपन से ही धर्म और परंपरा पर आधारित जीवन का अनुसरण किया था। जब भी सुबह पाठशाला को जाते तो सबसे पहले हनुमान मंदिर में जाकर प्रणामांजलि के साथ प्रार्थना करते। मदन मोहन सुबह और शाम पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करते देखकर माँ उसकी पूजा पाठ की पद्धति पर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगती कि कहीं वो सन्यासी ना हो जाए। सूर्यास्त के तुरंत बाद मदन मोहन हाथ में लालटेन लेकर इस साथी के घर जाते और वहां पढ़ते। जहां सेवा और अनुशासन की आवश्यकता होती वहां वे सबसे आगे रहते थे। संगीत के अभ्यास को उन्होंने अपने को समर्पित किया था। वे बांसुरी और सितार सीखते थे। सुबह और शाम उनके पिता उन्हें मीरा और सूर के भजन सिखाया करते थे। परिवार की आकांक्षा थी कि जो उनके परंपरा है धार्मिक प्रवचन की और शिक्षा की, उसको मालवी जी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मालवी जी बहुत ही प्रतिभाशाली थे और उन्होंने बहुत कठिनाइयों के बाद जीवन में सफलता प्राप्त करनी शुरू की। और चूंकि बहुत संकल्प, दृढ़ संकल्प और चरित्रवान थे, इसलिए सच्चाई का अनुकरण करते हुए
वो जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे। विद्यारूपेण संसिता। पाठशाला हो या बाहर की कोई दूसरी जगह, मदन मोहन को माता पिता ने सख्त हिदायत दी थी कि बाहर का ना तो कुछ खाओ और ना ही पियो। इसीलिए मदन मोहन पाठशाला में प्यासे रहते। एक दिन वो इस बात से चिढ़ गए और घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ मैं कल से पाठशाला नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, किसी से झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा नहीं, मुझे वहाँ प्यासा रहना पड़ता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कल से तुम्हारे लिए जल की व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है माँ। बालक मदन मोहन मालवीय ने कभी भी अपनी शिक्षा के साथ समझौता नहीं किया था। वे पढ़ाई के अलावा दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करते और नियमित रूप से पूजा पाठ करते। बचपन से ही उनका रुझान धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों के अध्ययन पर रहा। धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला से प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें दूसरे विद्यालय में भेज दिया गया, जिसे प्रयाग की विद्यावर्धनी सभा संचालित करती थी। यहां से शिक्षा पूर्ण कर वे इलाहाबाद के जिला स्कूल पढ़ने गए। एक तो पढ़ाई का बहुत शौक है, कौन किताब मिले कौन चीज मिले, चाहते हैं कि हम पढ़ ले। इतने अधिकार के साथ वो कुरान शरीफ पर बात करते थे, गीता पर बात करते थे, बाइबल पर बात करते थे। इतने अधिकार के साथ बात करते थे कि लगता था कि एक ब्राह्मण के भीतर, शायद वो ब्राह्मण थे ही इसीलिए कि उन्होंने वाकई ज्ञान को अर्जित किया था, पूरे परिश्रम के साथ अर्जित किया था। और वो चाहते थे कि ये ज्ञान सभी के पास तक पहुंचना चाहिए, ताकि आगे चल करके हमारे देश में कोई धर्म युद्ध ना होने पाए। मदन मोहन की उम्र के कुछ लड़के तब पाठशाला में उपस्थित होते थे जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती। उन्होंने ये देखा और उनकी भी अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा हुई। पिताजी, मैं अंग्रेजी पाठशाला में पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा? हाँ। चलो प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अंग्रेजी पाठशाला में दाखिला हो सके। स्कूल में ऊंची फीस की बात सुनकर मदन मोहन की माता मोना देवी ने सहजता से अपनी सोने की चूड़ियां लाला गया प्रसाद के यहां गिरवी रख दी। विद्यार्थियों को पाठशाला में ठीक समय पर हाजिर होना पड़ता था। हाजिर होने के समय तक मदन मोहन के घर में कभी भी ताजा भोजन तैयार नहीं होता था, इसीलिए वो मट्ठे के साथ पहले दिन बनी हुई बासी रोटी खाकर पाठशाला भाग जाते। मुझे पाठशाला की आराम से आराम से। उस समय उनके परिवार की ऐसी दयनीय हालत थी, दिन बहुत मुश्किल भरे थे, फिर भी मदन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। थोड़े ही दिनों में अपनी कक्षा में वे अंग्रेजी लिखने और बोलने में सबसे श्रेष्ठ हो गए और वे शिक्षक के सबसे प्रिय छात्र बन गए। अंग्रेजी का उच्चारण बहुत बढ़िया था उनका, हम लोग सीखते थे उनसे कि कितना सही अंग्रेजी बोल रहे हो, किस तरह। उन दिनों में तो अंग्रेजी हम लोग सीख करके, हम लोग का जमाना ऐसा था कि अंग्रेजों की गुलामी में थे और अंग्रेजी पढ़ना है, इसी पर जोर रहता था। तो उनकी भाषा को हम जब क्लासमेट बैठते तो कहते, मालवीय जी ऐसे बोलते हैं, वैसे हम लोग को बोलना चाहिए। एक बार की बात है जब घर वालों ने मदन मोहन को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने भेजा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना शान की बात थी, लेकिन मदन मोहन के चाचा गदाधर मालवीय को जब ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। ये क्या, आपने मदन का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया? एक बार मुझसे पूछा तो होता। मदन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लेगा ना तो अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है और हमें उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए उनकी अंग्रेजी भाषा का भी बहिष्कार करना चाहिए? तो बोलो क्या करना चाहिए।
मेरी राय में मदन को किसी संस्कृत पाठशाला में भेजा जाना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर वो एक प्रकांड विद्वान बन सके और हमारे देश की संस्कृति को गौरवान्वित करे। ठीक। वो अंग्रेजी जानते थे और संस्कृत से बहुत प्यार करते थे। उनको एक स्कूल से हटा करके दूसरे स्कूल में डाला गया, कोई परिस्थिति रही होगी। उनके पिता को लगा होगा कि नहीं, अगर भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहना है, अगर हमें ज़मीन से जुड़े रहना है, अगर हमें संस्कृत को बचाना है, तो हमें अपने बेटे को संस्कृत की भी शिक्षा देनी चाहिए। और उन्होंने उसको उठा करके संस्कृत पाठशाला में डाला होगा। 15 वर्ष की किशोर अवस्था में उन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी, जिसे वे अपने उपनाम मकरंद से लिखते थे। उनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में खूब छपी। मालवीय जी भारतेंदु हरिश्चंद्र से बहुत प्रभावित थे। मालवीय जी के हृदय में भी कविता के सृजन का भाव हुआ और उन्होंने मकरंद नाम से ब्रजभाषा की बहुत सी कविताएं लिखी। उसमें 5-6 कविताएं तो मिलती हैं। बाद में उन्होंने सामाजिक कार्यों में लगने के बाद कविता के प्रति उतना उनका रुझान नहीं था। 52 वर्ष की उम्र में मदन मोहन के चाचा गदाधर मालवीय का निधन हुआ। अपने चाचा के निधन पर मदन मोहन मालवीय ने कुछ पंक्तियां लिखी थीं। हाय गदाधर तत्वधर मालवीय कुल हेतु, इतने थोड़े समय में प्राण तज्यो के ही हेतु। मदन मोहन बचपन से ही स्वतंत्र प्रकृति के थे। माता पिता से उन्हें नैतिकता, सत्यनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, परोपकार और मानवीय मूल्यों की शिक्षा मिली, जो आखिरी समय तक मदन मोहन मालवीय के रोम रोम में बसी रही। शुरुआती दिनों में पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वक्त जितना कठोर रहा, उनका हृदय उतना ही कोमल होता गया। मदन मोहन मालवीय ने खराब आर्थिक हालतों के बीच अपनी शिक्षा आरंभ रखी। धर्मशास्त्रों के साथ उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया था। वे एक अच्छे वक्ता थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये युवक भविष्य में महामना कहलाएगा। मेरा ऐसा परामर्श है कि तुम हमारे विद्यालय में सप्ताह देखिए आवेदन पत्र। पंडित मदन मोहन मालवीय ना चाहकर भी क्यों अध्यापक बने? मुझे अध्यापन नहीं करना। और 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में दमदार भाषण से कैसे बड़े बड़े नेताओं को प्रभावित किया?